हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती डायरी में। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। मैंने अभी ACF का इंटरव्यू दिया था, उसका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, क्योंकि उसमें आप लोगों की इतनी क्वेरीज आ रही थी, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस और कमेंट आ रहे थे कि मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई। फिलहाल अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मैंने सोचा बीच में एक वीडियो इसको डाल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट इतने आ रहे थे और इतने ज़्यादा क्यूरियोसिटी आप लोग की दिख रही थी ना, तो मुझे लगा एक वीडियो इसमें बना के डाल देना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो मैं इस वीडियो में उस कमेंट से सारे आंसर करूँगी। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, अभी मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है, अभी मैंने सिर्फ इंटरव्यू दिया है, इसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है, पेंडिंग नहीं है, अभी इंटरव्यू ऑन प्रोसेस है, 3 या 4 को हो सकता है आ जाए इसका रिजल्ट। और दूसरा चीज़, अभी बहुत ज़्यादा जो अभी चीज़ें उड़ रही हैं कि कितने लाख में खरीदे हैं, क्या है कैसा है, मैं अभी फिलहाल ही में कमेंट देख रही थी कितने लाख में खरीदे हैं। मेरे पास इतने लाख होते ना तो भी मैं नहीं खरीदती, क्योंकि इतने साल की मेहनत है उसको छोड़ के अगर मैं अब मुझे पैसा देके करना पड़े तो नहीं चाहिए, मैं अपनी टीचर की जॉब से खुश हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों की कमेंट्स की रिप्लाई कर देती हूँ। इंटरव्यू की पोस्ट देख के सब सोच रहे हैं कि हाँ, ये भी उन लोगों में से एक है, या इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मैं इसको अभी यहाँ बैठ के जज नहीं करूँगी। बट मैं इनने भी पिछले साल मेंस दिया था और मैंने भी अपनी मेंस की कॉपी चेक की है। हर्ट मुझे भी हुआ है कि नंबर कैसे दे रहे हैं, क्योंकि मेरी तो मेंस की कॉपी ऐसे चेक हुई है जैसे कि वह सिर्फ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसको सिर्फ नंबर जानबूझ के इतने कम बैठा दिए गए हैं। तो फिर भी हमको रिजल्ट कब आया था, मेरे इंटरव्यू 2 दिन पहले, मैंने अपनी कॉपी देखी, मेरा इतना मोरल डाउन हो गया कि अब क्या ही कर लेंगे। पहले तो ये था कि कुछ भी होगा तो हम मेंस में नंबर खींच लेंगे, बट अब तो मेंस में भी ये सब हो रहा है। तो ठीक है, फिर भी अपना हिम्मत जुटा के फिर मैं अपने मेंस में लगी हुई हूँ। ऐसा नहीं कि मेंस छोड़ दे रही हूँ, फिर भी एक अंदर से जो होता है ना कुछ चीज़ कि हाँ अब मेंस में लगना है, वो एक अंदर स्प्रिट नहीं आ पा रहा था। ऊपर से आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट, तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनती है। तो मेरा ACF में एवरेज नंबर ही है 265-70, ऐसे नंबर ही है। नंबर अगर बढ़े होंगे तो बढ़ेंगे पता नहीं, बट मेरा भी नंबर इतना ही एवरेज ही है। दूसरा, मेरा इंटरव्यू 18 को ही था, फर्स्ट डे और सेकेंड हाफ में, तो इंटरव्यू तो बहुत स्मूथली गया है, जैसे आप लोग वीडियो में देख लेंगे इंटरव्यू ठीक गया है। अब रिजल्ट देखते हैं। लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था, जो मेरा कॉलिंग हुआ था, मैं इंटरव्यू नहीं दी थी। अब इस साल फिर से मेरा प्री क्लियर हुआ है और मेरा मेंस है। प्री में मेरे 100 मार्क्स आ रहे थे, अब बहुत लोगों का मैं सुन रही हूँ कि 95 है OBC, फीमेल OBC 98 है जनरल, फिर भी नहीं हुआ है। तो मुझे अब आइडिया नहीं कि कितने नंबर तक गया है, कट ऑफ क्या गया है, बट हाँ, मेरा 100 नंबर के आसपास था, उसमें मेरा प्री क्लियर हुआ है। अभी मुझे मेंस देना है जून में। ठीक, एक कमेंट है, लेन देन चल रहा है क्या? अभी टॉप 20 में CGPSC के सभी वहीं रिश्तेदार बाजी मारे हैं, एक एक घर के 2-3 लोग लगना, यही लोकतंत्र है, ये तो संदेह 100% घोटाला लग रहा है। तो इस तरह के जो भी अभी एटमॉस्फेयर बना हुआ है ना, उससे मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हूँ। मतलब क्या चल रहा है, हमको तो अभी मेंस भी देना है, सोचो अब उस माहौल में पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, क्योंकि मेंस देना है, कुछ भी हो अपना 100% तो देना है। बाकी जब हम जो अपना 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी हमको वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आंसर पूरा अच्छे से लिखा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करना, मैं 1-2 आंसर का स्क्रीनशॉट भेजूंगी। नंबर जैसा देना चाहिए था ना वैसे नहीं दिए हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, मैंने भी सही आंसर ना लिखा हो, बट फिर भी जितना उसमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, बहुत लोग का मैं सुनी हूँ कि नंबर बहुत कम मिल रहा है। बाकी अब मैं नहीं बोलूँगी खुल के कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को सिर्फ सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। कब से प्रिपेयर कर रहे हो CGPSC? मैं CGPSC प्रिपेयर कर रही हूँ 2016 से। 16 में मैंने पहला मेंस दिया था। जैसे बोलते हैं ना, तैयारी स्टार्ट करते ही प्री निकल जाना और फिर मेंस के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलना, तो 16 वाला मेंस वैसे ही था मेरा। और उस वक्त मेरे, जब मैं बिना प्रिपरेशन के दी थी पेपर, तब मेरे 611 नंबर आए थे, और अभी इस साल फिर 611 नंबर आए हैं। तो मतलब मैं इतना डिमोरलाइज हो गई हूँ कि मैंने 5 साल का जो मेहनत है, 6 साल का, सब मैं बैक टू वहीं पहुँच गई हूँ। तो आप तो समझ सकते हैं मेरी मेंटल स्टेट अभी कैसी होगी, क्योंकि जो भी हो जैसा भी हो, हमको अच्छा आंसर लिखना है, नंबर देने वाले को मजबूर करना है नंबर देने के लिए। ठीक है, कुछ हो भी रहा हो तो अपन को ऐसा आंसर लिखना है कि नंबर अच्छे से मिले। आप में आपका CGPSC सिलेक्शन हो गया है क्या? नहीं, मेरा CGPSC सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने व्यापम से असिस्टेंट टीचर का, जो 2011 से मैं हूँ, उसको निकाला था मैंने व्यापम द्वारा, जो शिक्षा कर्मी का एग्जाम हुआ था उससे मैं टीचर हूँ। अभी CGPSC सिलेक्शन नहीं हुआ है। 75 लाख तो भी नहीं पैसा भाई। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स
आफ्टर मेंस मैं नोट्स बनाने का वीडियो डालूंगी, क्योंकि मैं भी एक दो सब्जेक्ट हैं जो मुझे टफ पड़ते हैं, उनके नोट्स प्रिपेयर करूंगी। अपनी बुक लिस्ट शेयर करना। मेरा प्री में 85 मार्क्स है, नहीं हुआ। आपका कट ऑफ का कोई आइडिया है तो बताना। मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास जाने भी, बहुत लोगों का नंबर बहुत हाई है लेकिन उनका प्री नहीं निकला है, पता नहीं कैसे क्या कट ऑफ गया है। और बुक लिस्ट मेरी चैनल पे है, मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी। आप एमसीबी में कहाँ से हो? मैं मनगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। एमसीबी लिखने की आदत हो गया है, तो मैं अपने इंटरव्यू के उसमें भी जगह बहुत कम था, तो मैंने जिला का नाम एमसीबी लिखा हुआ था। तो मेरे से पहला क्वेश्चन यही था, एमसीबी मतलब क्या होता है? और वो लोग हंस भी रहे थे कि सब चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बन गया है, गोरला पंडरा मरवाही का GPM बन गया है ऐसे। तो मैं एमसीबी में चिरमिरी से हूँ। मेरी कैटेगरी जनरल है। कैटेगरी कौन सी पूछ रहे हैं? देखिए एक कमेंट है, आपका प्री में कितना नंबर आया है, आप किस कैटेगरी से हो? मैं OBC हूँ और 98 आया है PSC में, पर मेरा क्लियर नहीं हुआ। ये कोई है सरिता वर्मा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, दो तीन लोग मेरे को और बोले हैं कितना नंबर आया है, क्लियर नहीं हुआ, मालूम नहीं है मुझे भी कैसा है। NOC का प्रारूप बता दीजिए। NOC अपने विभाग में ना, जब हम किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करने से पहले ही आवेदन देना होता है एक विभाग को सूचित करते हुए कि हम इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, हमको अनुमति प्रदान करें। और जिस डेट को वो आवेदन दिए हैं ना, रिसीविंग लिए होंगे, उस डेट को फॉर्म फिल करते समय डालते हैं उसको, उस डेट को। उसके बाद फिर जब तक प्रोसेस चल रहा है ना, तो वहाँ अपना डिपार्टमेंट प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में ना आपको NOC वहाँ से निकलवा कर जमा करना होता है। तो मतलब NOC का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका फॉर्म फिल करने से पहले। उसके बाद फिर जब आप इंटरव्यू में अपेयर हुए ना, तब तक वहाँ से NOC निकल जाएगा, उसको ला के हार्ड कॉपी ही जमा करनी पड़ती है इंटरव्यू में, फोटो कॉपी नहीं लेते वो लोग। मैम आप DVC में न्यू डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट बनवा ली क्या? MCB वाला ही पुराना ही ले लेंगे। हाँ MCB वाला पुराना ही चल रहा है, अभी मैंने कहीं कुछ चेंज नहीं किया। मेरी शादी हो गई है, बट मैंने अभी अपने डॉक्यूमेंट भी चेंज नहीं करवाए हैं, क्योंकि मेरा फॉर्म 2020 में इसी से फिल हुआ था, इसी अप में मेरा नंबर अच्छा था, इंटरव्यू कॉल भी आया था, तो मैंने इसलिए भी चेंज नहीं करवाया। क्योंकि फॉर्म जब फिल हुआ था तो मैं अनमेरिड थी, और सारे सारा जो भी डिटेल भरी थी मैं अपने उस हिसाब से भरी थी, इसलिए मैंने अभी अभी अपने डॉक्यूमेंट कोई भी चेंज नहीं करवाए हैं। अब तो विश्वास उठने लगा है PSC पे। सेम ईयर मैम, NOC का हर जॉब के लिए अलग अलग लेना पड़ता है क्या? हाँ, हर वैकेंसी के लिए अलग अलग NOC होते थे। मैंने उस टाइम ACF और स्टेट सर्विस दोनों भरा था ना, तो मैंने दो एप्लीकेशन लगाया हुआ था दोनों के लिए अलग अलग। भले फिर वो डिपार्टमेंट वाले एग्जाम दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं आपके लिए आदेश, कि दोनों एग्जाम का नाम लिख के आपको अनुमति प्रदान की जाती है निम्न शर्तों पर, लेकिन आपको आवेदन अलग अलग करना है। मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब छोड़कर स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। जब जब आप IAS वाइस बन जाओ तब आना यूट्यूब पर, फोकस ओनली ऑन UPSC। मैंने 4-5 साल ना व्हाट्सअप यूज नहीं किया, मोबाइल एंड्रॉयड ये 4G यूज नहीं किया, कीपैड वाला यूज़ किया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की, बहुत साल दिए इसको। अब तो देख रहे हो क्या है क्या नहीं है। तो अब एट ए पॉइंट मैं ऐसे पॉइंट में आ गई हूँ जहाँ पे अब मैं कोई भी चीज़ से ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। मेरा जो शौक है वो भी पूरा करूँगी। और दूसरा चीज़, इससे एक आपकी हॉबी डेवलप होती है। जैसे मेरी हॉबी थी फोटो लेना, वीडियो करना, तो मैंने चैनल क्रिएट किया और इसी हॉबी को फिर मैंने अपने CV में उसमें मेंशन किया। जो मैं अभी अपना जानकारी पत्रक भरी ना, उसमें मैंने यही डाला, डाइट की, यूट्यूब वीडियो कंटेंट क्रिएटर और फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। वो वैसे मेरी हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन मैंने यही डाला था हॉबी में। तो एक तरीके से मैंने अपनी एक हॉबी डेवलप कर ली है, जिसपे मैं अब इतना रिसर्च कर चुकी हूँ कि मैं उसमें आंसर दे सकती हूँ। हॉबी ऐसी होनी चाहिए ना, कि ये नहीं कि बस आप डाल दिए हो और आपको उस रिलेटेड कुछ नहीं आता, आपको उसको जी रहे हो तो चीज़ अच्छा होता है। जैसे मैंने पिछले बार कुकिंग हॉबी डाली थी, जब मैंने लास्ट ईयर स्टेट सर्विस का इंटरव्यू दिया था, तो जैसे कि मैं कुकिंग करती हूँ बट उतना इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ, लेकिन अब जब मैंने इस हॉबी को डाला था ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थी कि इससे कुछ भी पूछेंगे कुछ भी करेंगे मुझे आएगा, ठीक है। तो हॉबी एक तरीके से मेरी हॉबी भी डेवलप हो गई है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। दूसरा, एक रिलैक्सेशन मिलता है जब आप पढ़ाई से छोड़ के कुछ और करते हैं, या वो करते हैं जो आपका मन करता है। कि क्योंकि ना, कभी मैं देखी हूँ जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ पे जब भागेंगे ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलती। जब वो आप उसको थोड़ा सा लाइट लेना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपके पास आ जाएगी। जैसे कि मैंने इस साल प्री भी बहुत लाइट लिया, आप लोग अगर जुड़े होंगे तो देखेंगे मैं वीडियो बना रही थी, सब कर रही थी, तो प्री मेरा इजिली निकला है इस बार। हर बार की तरह ऐसा नहीं कि मुझे डाउट में हूँ, इस बार मैं क्लियर थी कि हम निकलेगा प्री, ठीक है। तो अपनी हॉबी को भी टाइम देना चाहिए, और मैं अपनी स्टडी में ध्यान दे रही हूँ। थैंक यू फॉर दिस सजेशन। मैम आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला? मेरा इंटरव्यू ना
20 मिनट्स चला था, बट मेरे को ऐसा लगा था कि मैं गई हूँ और आ गई हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बैक टू बैक होते हैं ना वहाँ पे, आपको टाइमिंग पता नहीं चलेगा। आप किसी से पूछेंगे उसका इंटरव्यू आधे घंटे चला या 40 मिनट चला, तो आप सोच कर डरेंगे कि हाँ इतना देर चलेगा तो मैं कैसे वहाँ सर्वाइव करूँगा, 40 मिनट तक मैं कैसे झेलूंगा, मतलब सॉरी झेलूंगा नहीं, कैसे मैं आंसर करूंगा उसका आंसर को, उनके क्वेश्चन को। लेकिन वहाँ ना टाइम का पता नहीं चलता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं गई हूँ और अभी कैसे लोग थैंक यू बोल दिए, तो ऐसे बोलो थैंक यू, तो मैं दूसरे के साइड देख रही थी कि अब ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो सब कोई हाँ ठीक है जाइए ऐसे बोल दिए। तो मुझे लगा अरे यार कैसे जल्दी खत्म हो गया। जब मैं बाहर आई ना तब मुझे टाइम पता चला कि मुझे 15-17 मिनट हुए थे, और वहां से लग रहा था मैं बैठी हूँ और तुरंत निकल के बाहर आ गई हूँ। तो मेरा इंटरव्यू 15 से 20 मान सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट लेटेस्ट कमेंट मैं आपको बताती हूँ। लेटेस्ट कमेंट है ACF का रेट क्या चल रहा है मैम, आप नौकरी के लिए कितना पैसे दिए थे ये बताओ। तो मुझे ना रेट का पता है ना किसी का पता है, क्योंकि आई एम नॉट सिलेक्टेड रेट। और दूसरा चीज, इतना अपना खून पसीना बहाने के बाद, इतना अपने जिंदगी के इतने साल देने के बाद, अगर मैं आगे चल के पैसा तो उतना है नहीं, लेकिन मान लो दे के पैसा हो रहा है, तो आप सोचो ना एक मन में गिल्ट नहीं रह जाएगा जिंदगी भर के लिए, जो भी अगर दे के बनते भी हैं मान लो जितनी भी सच्चाई उस चीज में। तो मैं सोचती हूँ लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, कि किसी जॉब में हैं आप, वाहवाही लूट रहे हैं, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि हम कैसे इस पोस्ट पे आए हैं, समझ से परे है मेरे। तो इतना साल देने के बाद, इतना अपना खून पसीना बहाने के बाद, इतना मेंटल प्रेशर झेलने के बाद, मेंटल प्रेशर का हम फैमिली प्रेशर, अपना सोशल लाइफ सब छोड़ने के बाद, अब लास्ट में अगर हमको ये तरीका अपना कर इस पोस्ट को लेना होगा, तो मुझे ऐसा पोस्ट नहीं चाहिए। मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी खुश हूँ, ठीक है। और इस प्रिपरेशन से मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको ना अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो चीज़ों के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं करिए, पीएससी करना है, जॉब करना है, जो भी करना है, लेकिन आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, अपने प्रेजेंट को खोना नहीं चाहिए। मुझे ना 4-5 साल अपना देखती हूँ, मैं प्री मेंस से चक्कर में, प्री फिर मेंस, मेंस के रिजल्ट आते तक दूसरे टाइम हो जा रहा है, प्री में इंटरव्यू, इंटरव्यू हुआ फिर। तो इतने साल अपने जीवन किसको देने के बाद, इतना मेंटल स्ट्रेस झेलने के बाद, एट लास्ट अगर हमको यही तरीका अपना कर ये सब करना होगा, तो एक जिंदगी भर के लिए घाव ले लेंगे, जिस जिंदगी भर के लिए एक अपना आत्मग्लानि ले लेंगे जो मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा था तो भैया मैं अपने टीचिंग के जॉब में खुश हूँ। तो प्लीज मुझे ऐसा कमेंट करना बंद कीजिए कि कितना लाख दी, कैसा दी, क्या दी। और अभी मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ यार, अभी सिर्फ मैंने इंटरव्यू दिया है, देखो क्या होता है इसमें, कितना समझ रहे हो ना। तो मुझे अब मैंने होप पूरी खो दी है, मेंस के लिए भी ना इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा था। एज ए स्टूडेंट मैं बता सकती हूँ कि जो भी लोग पढ़ रहे होंगे उन लोगों को भी इतना नहीं आ रहा होगा, और मुझे भी अंदर से नहीं आ रहा पढ़ने का, बट लेकिन देना है तो देना है, इस बार अच्छे से देना है सोच के चल रही हूँ मैं, और मैं तैयारी कर भी रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब सेटिस्फाई होंगे मेरे आंसर से, जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस। Thank you.